फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सस्वी फ्रॉम फार्मा लीडरशिप एकेडमी और हम बात कर रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में। आपका टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज और हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज में आप सोचिए कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें इम्प्योरिटीज कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो पहली चीज क्या क्या हो सकती है, दिमाग लगाइए, आप सोचिए, फिर मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। पहली चीज, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं तो रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी हो सकती है। नंबर टू, अब रॉ मटेरियल मिला और प्लस आप रिएजेंट जो ला रहे हैं तो रिएजेंट में इम्प्योरिटी हो सकती है। फिर रॉ मटेरियल रिएजेंट को मिलाने के लिए जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस में इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है। इसके अलावा आपके स्टोरेज कंडीशन पे इम्प्योरिटी आ सकती है। तो ये मतलब एक मोटी मोटा आपके दिमाग में समझने के लिए है कि कहां से इम्प्योरिटी आ सकती है, ताकि सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी अगर लार्ज क्वेश्चंस में आता है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है आपके लिए, काफी हेल्पफुल है ये। देखिए, द मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज आर, तो नंबर वन, मैंने इसमें 8 पार्ट्स हैं। तो नंबर वन देखिए क्या है, रॉ मटेरियल्स इम्प्लायड इन मैन्युफैक्चर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल इम्प्लायड हो रहे हैं वहां से उसमें से इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड रॉक साल्ट में प्रेजेंट होता है इम्प्योरिटी के रूप में। इसके अलावा रिएजेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं वहां से इम्प्योरिटी आ सकती है। इसके अलावा जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। कैसे, ये देखिए, फॉर्मुलेशन रिलेटेड इम्प्योरिटी, आपने फॉर्मुलेशन ही मिलाने में गलती कर दिया तो वहां से इम्प्योरिटी आ सकती है। सिंथेटिक इंटरमीडिएट एंड बाई प्रोडक्ट्स के थ्रू इम्प्योरिटी आ सकती है। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के कारण इम्प्योरिटी आ सकती है। और मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटी हो सकती है, आपने मेथड ही गलत फॉलो कर लिया तो मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटी हो गई, ठीक है। फिर देखिए, इन्वायरमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज, इसमें क्या है, एक्सपोजर टू एडवर्स टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर जो लेना था आपने टेम्परेचर ही नहीं सेट किया तो उसके कारण जो इम्प्योरिटी आएगी, ठीक है। फिर यूवी लाइट इम्प्योरिटी, ह्यूमिडिटी के कारण इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। फिर देखिए, डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको फॉलो करना था उसमें कहीं कमी रह गई तो उसके कारण भी डिफेक्ट आ सकता है। फिर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, इसमें जैसे पार्टिकुलेट कंटामिनेशन हो सकता है, प्रोसेस एरर हो सकते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, पैकिंग एरर्स हो सकता है। आपने सब कुछ सही किया, पैकिंग में ही गलत कर दिया, पैकिंग एरर आपने कर दिया। फिर देखिए, इम्प्योरिटीज अराइजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज, सब कुछ सही हो गया, अब आप स्टोरेज प्रोटोकॉल ही नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे अब देखिए, कॉमन प्रॉब्लम होती है कि अगर हमने फिल्थ पूछा था शॉर्ट नोट क्वेश्चन में, व्हाट इज फिल्थ, फिल्थ का मतलब होता है जैसे हमने कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट हमने स्टोरेज में रखा और अगर हमने ओपन रखा, फॉलो नहीं किया नॉर्म्स को, तो डस्ट या इंसेक्ट बॉडीज या एनिमल और इंसेक्ट का एक्सक्रीटा वो प्रोडक्ट को पॉल्यूट कर देगा। इट मीन्स व्हेन द प्रोडक्ट इज पॉल्यूटेड बाय डस्ट, इंसेक्ट बॉडीज, एनिमल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीटा, देन इट इज सेड टू बी फिल्थ। तो फिल्थ बोलते हैं इसको। इसके अलावा केमिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, आपने रखा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल, आपका सारा प्रोसेस सही था लेकिन आपने जो कंटेनर जिसमें स्टोर किया उस कंटेनर के मटेरियल से ही रिएक्शन हो गया और केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। फिर देखिए, फिजिकल चेंजेस, कलर, ओडर, टेस्ट ही बदल गया उसका। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर आप लिखा हुआ है कि आपको कूल एनवायरमेंट पे रखना है, आपने वो नहीं फॉलो किया, ठीक है। लिखा है 228 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, आपने वो टेम्परेचर स्टोर नहीं किया तो उस पर स्टोर नहीं करेंगे तो वहां पे भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन, गलती से कोई चीज उसमें मिल जाए तो भी इम्प्योरिटी हो जाएगी। या फिर डेलिबरेट एडल्ट्रेशन विद यूजलेस मटेरियल, या फिर जानबूझ करके कोई यूजलेस मटेरियल मिला दिया गया हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सपेंसिव केबीआर, पोटेशियम ब्रोमाइड कॉस्टली आता है तो उसको क्या करते हैं, एडल्ट्रेटेड विद चीप सोडियम ब्रोमाइड से एडल्ट्रेट कर देते हैं। इसीलिए जब हम टेस्टिंग करना होता है सोडियम पे टेस्टिंग करते हैं एज पर इंडियन फार्माकोपिया। जब सोडियम पे टेस्टिंग करेंगे, अगर सोडियम नहीं है इसमें, इट इज प्योर, और अगर सोडियम प्रेजेंट होगा इसका मतलब यहाँ सोडियम ब्रोमाइड आ गया। तो ये आपका सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज हो गया। आइए हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इसमें देखिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज की हम बात करें तो
तो क्या होता है, जो भी हम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो रही हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, तो उनकी क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है, तो इसके लिए जो फार्माकोपिया कमेटी होती है वो इनके क्वालिटी कंट्रोल की बात करती है, और ये फॉलोइंग पॉइंट्स कंसीडर करना होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज के लिए। पहला तो देखिए, लिमिट्स फॉर डिलीटीरियस इम्प्योरिटीज, यानी ऐसी इम्प्योरिटीज जो एक्सेसिव अमाउंट में होने पर नुकसान करती हैं, हार्मफुल होती हैं उनके लिए। फिर लिमिट्स फॉर हार्मलेस इम्प्योरिटीज, यानी ऐसी इम्प्योरिटीज जो नुकसान नहीं करती हैं, थेरेप्यूटिक एफिकेसी या ड्रग को प्रभावित नहीं करती हैं। फिर बात आती है कॉस्ट, और एक होता है एडल्ट्रेशन। तो आप देखिए, ये चार पॉइंट आपको लर्न करना है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज में। फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज द फार्माकोपिया कमेटी कंसिडर्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? लिमिट्स फॉर डिलीटीरियस इम्प्योरिटीज, लिमिट्स फॉर हार्मलेस इम्प्योरिटीज, कॉस्ट और एडल्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे लिमिट्स फॉर डिलीटीरियस इम्प्योरिटीज में क्या है, जैसे बात की जा रही है लेड एंड आर्सेनिक की। लेड एंड आर्सेनिक शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट। एक्सेसिव अमाउंट में लेड एंड आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए फार्माकोपिया, इसके लिए टेस्टिंग प्रोसीजर, इसके लिमिट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसकी क्वालिटी कंट्रोल को देख सकते हैं। लिमिट्स फॉर हार्मलेस इम्प्योरिटीज, देखिए ये जो फार्माकोपिया इसको भी फिक्स करती है, जबकि ये जो हार्मलेस इम्प्योरिटीज हैं ये ड्रग की थेरेप्यूटिक एफिकेसी को चेंज नहीं करते हैं, बट फार्माकोपिया इनके लिमिट को भी फिक्स करती है। कॉस्ट, फार्माकोपिया में ये बात मेंशन होता है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट है उससे इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, यानी इम्प्योरिटी फ्री सब्सटेंस बनाना है, तो ये बात तो होती है कि हम ऐसे प्रोसेस को एडॉप्ट करें जहां पे हमारा मॉडरेट कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी हटाने में बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कॉस्ट शुड बी मिनिमम व्हाइल रिमूविंग द इम्प्योरिटी फ्रॉम द सब्सटेंस। एडल्ट्रेशन की बात कर रही है, हो रही है, जैसे एडल्ट्रेशन का मतलब है कोई सिमिलर प्रोडक्ट उसमें मिला दिया गया हो, या कहते हैं ना लेस क्वालिटी का प्रोडक्ट इसमें मिला दिया गया हो, तो फार्माकोपिया इसके लिए भी लिमिट फिक्स करती है कि ये एडल्ट्रेशन में जो इथिकल एडल्ट्रेशन है या फिर इलीगल एडल्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी लिमिट क्या है, कितना लेवल तक हो सकता है, उसकी भी लिमिट सेट करती है। और इसके अलावा हम इसके लिए फार्माकोपिया में टेस्ट भी दिए रहते हैं उनके डिटेक्शन के लिए, कि भी आके आप डिटेक्ट करके देख सकें कि एडल्ट्रेशन जो लिमिट में है या नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम साल्ट इज एडल्ट्रेटेड विद पोटेशियम साल्ट, तो सोडियम साल्ट को पोटेशियम साल्ट से एडल्ट्रेट कर देते हैं, तो इसके लिए फिर अलग से नहीं फार्माकोपिया में प्रोसेस दिया है, इनके लिमिट की बात की गई है। तो ये रहा आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज का, तो ये आपका टॉपिक रहा सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दिस चैनल फार्मा एंड लीडरशिप अकेडमी इज डेडिकेटेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।